हैं, मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आया है, ठीक है। तो ये सारी जो वीडियो हैं हम आप लोगों को केस स्टडी डाल रहे हैं, कम से कम नहीं है तो मैं 100-200 केस स्टडी डालने वाला हूँ। 100-200 का मतलब क्या होता है, हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स तो सीख लेते हैं लेकिन कोर्स सीखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सर हम कम 150 मोबाइल फ़ोन। एक हमारे स्टूडेंट थे, वो मतलब वो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा उनको एजुकेशन कम अच्छा था, तो कह रहे थे कि सर हमको जो मोबाइल फ़ोन आप जो पढ़ाते हो सिखाते हो तो मुझे सब कुछ समझ में आता है, लगता है हम कर लेंगे लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। हमको आप ऐसा करिए कि 150 मोबाइल फ़ोन बनाने का कोई वीडियो बता दीजिए कि देखें कि 150 मोबाइल फ़ोन कैसे बनाया जाएगा। कि जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज का थ्योरेटिकली नॉलेज से कोई ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रैक्टिकल कुछ कहता है, थ्योरी कुछ कहता है। जी सर, प्रैक्टिकल कहता है गोल गोल घूमोगे तो शक्तिमान बन जाओगे, लेकिन शक्तिमान आज तक खुद नहीं उड़ पाया तो तुमको कैसे उड़ा पाएगा, वो एक कहानी है। उसी तरीके से क्या है कि हम लोग प्रैक्टिकली इसलिए बना कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे रिपेयरिंग करते हैं, हम कैसे चेक करते हैं। देखो कोई भी मोबाइल फ़ोन ठीक होना ना ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मायने ये रखता है कि हम उसको चेक कैसे करेंगे। कल को हमारे पास फ़ोन आया तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन आया है, इस मोबाइल फ़ोन में ये मोबाइल फ़ोन डेड है, मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो इसमें बीप आ रहा है, बिल्कुल साधारण सा मल्टीमीटर है, हमने इसको चेक किया इसमें बीप आ रही है। बीप आने के बाद जब हम लोग डीसी सप्लाई मशीन से चेक कर रहे हैं तो डीसी सप्लाई मशीन से 4 वोल्ट पे हम लोग सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे? 4 वोल्ट पे सेट करेंगे। 4 वोल्ट पे सेट करने के बाद जब सनी हम इसको चेक करेंगे तो चेक करने के बाद ये हमारा क्या होता है, अपने मन से ही एम्पियर बता रहा है। देखो बता रहा ना, अपने मन से एम्पियर, देखो वोल्टेज 0 हो रहे हैं, एम्पियर फुल हो रहा है। देखो ना वोल्टेज 0 हो गया, एम्पियर क्या हो गया, फुल हो गया। इसका मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। चलिए शॉर्टिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहली बात तो हमको अपना मोबाइल फ़ोन खोलना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग ठीक करने के लिए इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सबसे पहली बात जो चेक करने वाली बात आती है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। क्या शॉर्ट हो जाते हैं? ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ख़राबी यही होती है, कैपेसिटर डायोड अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ये स्टूडेंट लोग हैं जो सीखते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के आते हैं, प्लस मार्केट से जो मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं उनको भी हम लोग बनाते हैं। लगा कुछ नहीं कि एक पेचकस लगा हुआ है लेकिन वो फ्री हो चुका है, बहुत टाइट होता है। सैमसंग के मोबाइल फ़ोन होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, हार्ड पैकिंग होती है। कुछ सैमसंग के तो पहले ऐसे मोबाइल फ़ोन आते थे जैसे 1200 वगैरह, उनमें तो पेच ही नहीं लगाते थे लेकिन बहुत टाइट होता, लेकिन उसकी बॉडी इतनी फिटिंग टाइट होती थी। मोबाइल फ़ोन जब भी खोलेंगे तो हाथ ऐसे लगा लें और ऐसे लगाने के बाद ऐसे खोलें, ये नहीं कि चाकू की तरह गोलने तो गंदे घुसेड़ते हुए चले जाएं कहीं, उंगली में ही घुस जाएगा सर, यहाँ पे घुस जाएगा। हाँ इसका देखो एक स्क्रू हमको डैमेज करना पड़ेगा क्योंकि ये खराब है। अब देखिए मोबाइल फ़ोन को हमने खोल लिया, मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद पूरे मोबाइल फ़ोन को मदरबोर्ड से बाहर निकालेंगे और मोबाइल फ़ोन को पहले व्यू करेंगे। व्यू को मतलब जानते हो, देखना कि इसमें पानी तो नहीं गया है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई चीज़ फुका हुआ तो नहीं है, कोई चीज़ जला हुआ तो नहीं है, ऐसे एक एक करके व्यू करेंगे। व्यू का मतलब क्या है, देखना, वॉच करेंगे। बिल्कुल ये जाली खोलेंगे, जाली खोलने के बाद ये मोबाइल फ़ोन खुल जाएगा। अब जाली खोलने के बाद सबसे पहली बात मोबाइल फ़ोन में हम लोग सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेसिटर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कैपेसिटर चेक करेंगे। सभी लोग गौर से देखिएगा कैसे हम लोग चेक करेंगे, आप भी उसी तरीके से चेक करेंगे। जैसे मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट किया, बी पॉइंट में सेट करने के बाद देखो इस पर भी बीप आ रही है, इसमें बीप आ रही है, तो इसका ये वाला पॉइंट माइनस है, ये वाला पॉइंट प्लस है, लेकिन प्लस में भी बीप आ रही है, माइनस में आएगा तो चलेगा। अब इसके पास में पहले डायोड लगा है तो आपने डायोड चेक किया, इसमें बीप आ रही है, हाँ इसका मतलब हो सकता है डायोड शॉर्ट हो तो डायोड को हटा दीजिए, एक तरफ वोल्ट देगा एक तरफ हाँ बीप देगा। अब आपने जहाँ चेक किया तो यहाँ पर अभी भी बीप आ रही है। अब इसके बोर्ड के अंदर जैसे कैपेसिटर लगा, इसको चेक करिए, इसमें बीप आ रही है, तो ब्राउन कलर का जो भी कैपेसिटर उनको हटाते जाइए। ऐसे इनको हटाने से ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा, कोई डेड नहीं होगा, या तो आप उससे हटाइए ऑर्गन से, अभी भी शॉर्टिंग आ रही है, इसमें चेक करिए, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें चेक करिए,
ये सही है, ये भी सही है, ये भाई ख़राब लग रहा है। तो जो कैपेसिटर बीप दे दे तो उसको हटा दो, क्या कर दोगे? हटा दोगे, सही हो जाएगा। हटाने के बाद, हाँ जब हटा दोगे, हटाने के बाद फिर आपको चेक करना है। देखो शॉर्टिंग हट गई, जी सही हो गया, हट गई शॉर्टिंग। तो हटने का मतलब क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर का लाइन ओके, ये डायोड ख़राब था और ये कैपेसिटर था, इन दोनों को हटाया तो इनसे शॉर्टिंग नहीं हटी, मतलब वो दोनों सही थे। हमने जब ये वाला फाइनली हटाया तो ये वाला हट गया। आपका तो सजी तुमने कैसे हटाया, तो हमको हमारा, मैंने आपको प्राइमरी चेकिंग बता रखी है कि ये नहीं कि तुरंत मोबाइल फ़ोन आया सीपीयू में हमसे हीट मारना शुरू कर दिया देसी मिस्त्री की तरह। आपको क्या करना है, पहले बोर्ड के अंदर कैपेसिटर डायोड चेक करो, क्योंकि जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होती है कैपेसिटर डायोड के अंदर ही होती है। कैपेसिटर डायोड हटाने से कुछ खराब तो होता है? कुछ नहीं खराब होता, क्योंकि पार्लर में प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे आपके शरीर से दो चार बाल उखाड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। सर जो कभी कभी सीरीज में भी लगे होते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं कैपेसिटर डायोड ज़्यादा सीरीज में नहीं लगे होते, जो मोटे मोटे वाले होते हैं तो सीरीज में होंगे ही नहीं। अच्छा, मोटे वाले सिर्फ फिल्ट्रेशन के लगे होते हैं। देखे मोटे वाले पिलर, अब देखो ये एक तरफ से रीडिंग आने लगी और एक तरफ से रीडिंग ओके। अब हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया, क्या हो गया? चलिए अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन चालू होगा तो एक ताली तो बनती है मोबाइल फ़ोन के लिए। हाँ आप देखिए, अपने मन से कोई रीडिंग नहीं ले रहा फिलहाल, हम लोगों ने जैसे ऑन ऑफ बटन दबाया इसने रीडिंग लेना चालू किया। रुक जाइए, अभी माइनस सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये मोबाइल फोन चालू हो गया ना। तो मतलब उसका क्या है, BSI का ट्रैक नहीं मिल रहा था इसलिए वो डिसेबल था, ठीक है ना। तो सैमसंग ऐसे बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं प्लस या माइनस के साथ में हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करते हैं। देखो रवि प्रकाश किसका मोबाइल फ़ोन है, हाँ ये कहीं से ठीक हुआ था, नहीं ठीक हुआ ना, ख़राब फ़ोन था, रख दिया था, खराब हो गया, खराब हो गया तो रख दिया था। अब तुम्हारा सारा फ़ोन बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये मोबाइल फ़ोन हमारा क्या हो गया, चालू हो गया। देखिए रेटिंग बता रहा है, एम्पीयर बता रहा है। अब पहले प्लस माइनस में क्यों नहीं चालू हो रहा, क्योंकि उसको BSI नहीं मिल रहा था। हमने जब BSI को प्लस के साथ में कॉमन माना, माइनस को ग्राउंड पे लगाया, मोबाइल फ़ोन नहीं चालू हुआ तो हमने प्लस को लगाया, फिर BSI को ग्राउंड के साथ में कॉमन माना, तब हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हुआ। ऐसा कीपैड मोबाइल फ़ोन में होता है कि प्लस माइनस से नहीं मोबाइल फ़ोन चालू होता, तो टेंशन मत लीजिए, लगा सकते हैं और हाँ। उसके भी साथ लगा सकते देखो ना, अभी आपके साथ BSI बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्लस के साथ लगाइए, फिर नहीं होता तो माइनस के साथ लगाइए, आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, चालू हो गया। ये फर्स्ट क्लास मोबाइल फ़ोन चलने लगा, इस मोबाइल फ़ोन का ना शॉर्टिंग थी वो भी दूर हो गई। देखो एम्पियर सही हो गए ना, वोल्टेज बिल्कुल स्टिल है लेकिन एम्पियर बता रहा है, जितना खपत है उतना ही बता रहा है। तो देखो ऐसे लगाएं, माइनस का लगा ना BSI के साथ में, हाँ तो माइनस का लगा, ठीक। तो हम लोगों ने आज सीखा हुआ है कि कैसे हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है उस मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग कैसे ठीक करते हैं। तो शॉर्टिंग ठीक करने का सबसे पहले तरीका, बोर्ड के अंदर साफ़ सुफ़ करें और बोर्ड के अंदर जितने कैपेसिटर डायोड हैं सबको पहले चेक करें, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन ओके हो गया। इसको लगाने की जरूरत नहीं है कैपेसिटर? नहीं, आप क्या लगाने की जरूरत है, वो शॉर्ट ही था, चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, से हम लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के बारे में हम लोग सीखते हैं। ये अपना पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। अब बैच कंप्लीट होने के बाद ये जितने सारे स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एक एक करके प्रॉब्लम आती है उनको रिपेयर करते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स को क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हमारा सिखाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि पहले हम अपने स्टूडेंट को सिखा देते हैं, जब सिखाने के बाद, क्योंकि जब तक किसी को कुछ आएगा ही नहीं तो उसके अंदर डाउट्स क्या रहेगा भाई। कमी तो उसमें होती है जिसको कुछ जानकारी हो, जिसको बिल्कुल निचट जीरो, उसमें क्या कमी है, उसमें तो कमी ही कमी है।
तो हम लोग पहले एक बार सीखते हैं, सीखने के बाद फिर हमारे अंदर जो कमी होती है उस कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। उस कमी को दूर करने में डिपेंड करता है कि हमको समय कितना लगता है, किसको कुछ समय लगता है, किसको बहुत सारा समय लग जाता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका मोबाइल फ़ोन रेडी हो गया है, फर्स्ट क्लास फ़ोन हो गया। अब इसमें बैटरी डालिए, इस मोबाइल फ़ोन को चलाइए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।